नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से शुरू हुई पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने सरकार से वार्ता के बाद दोपहर 3 बजे बाद हड़ताल स्थगित कर दी है। एसोसिएशन की मांगों को लेकर सरकार की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। राजस्थान में पंजाब की तरह वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बुधवार और गुरुवार को सांकेतिक हड़ताल की थी। चेतावनी दी थी कि मांगे नहीं मानी गई तो शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। इसके बाद गुरुवार शाम को सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। इसके बाद से ही प्रदेश के 47 जिलों में पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास की ओर से प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक तय की गई। मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी। हालांकि अलवर, कोटा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर शहर के करीब 500 से ज्यादा पंप इस हड़ताल से अलग अलग कारणों से बाहर हो गए थे। वहीं प्रदेश में कंपनी संचालित 60 पंप भी कम ही संचालित हो रहे थे। इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी 8-8 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई थी। इस दौरान प्रदेश के करीब 7,000 पंप बंद रहे थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।